लापता जवान के मामले में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसपी से बात कर कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, सहायक आरक्षक मनोज नेताम जो 8 दिनों से लापता है, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। फोड़े कुर्सी थाना में ये लापता जवान मनोज नेताम पदस्थ था। लापता जवान की कांकेर और राजनांदगांव की पुलिस लगातार तलाश कर रही है कहां गया जवान, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। हालांकि खुद जवान की पत्नी भी अपील कर चुकी है। ऐसी आशंका है कि नक्सलियों ने अगवा किया है सहायक आरक्षक मनोज नेताम को, क्योंकि जो जवान की बाइक है वो तो मिल चुकी है और उस बाइक पर एक पर्चा मिला है, एक चिट्ठी मिली है जिसमें नक्सलियों ने जिक्र किया है। हालांकि नक्सली अगवा करके ले गए हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन कहां ले गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रकाश ठाकुर का हम रुख करेंगे, संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए कांकेर से। प्रकाश, 8 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई खबर नहीं है लापता आरक्षक मनोज नेताम की, क्या जानकारी खबर पर? जी तक बता दूं कि जो मनोज नेताम है बीते 8 दिनों से लापता है। इसके लापता होने के बारे में बस इतनी जानकारी बताई जाती है दीपक कि ये ड्यूटी करके निकला था, उसके बाद इसकी जो बाइक है वो राजनांदगांव जो रास्ते वहां पर मिला था, उसके बाद लगातार जो गुमशुदा जवान है उसकी पत्तासाजी की जा रही है। हालांकि कल जो गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू, उन्होंने जो कांकेर एसपी है उनसे बातचीत की है और कार्रवाई में तेजी लाने की जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं। दूसरी तरफ ये भी है दीपक, उनकी पत्नी है, उन्होंने मार्मिक अपील किया है कि यदि नक्सलियों ने उन्हें पकड़ा हुआ कब्जा किया है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन अब तक जो जवान है उसके बारे में कोई भी खोजबीन नहीं हो पाई है और ना ही कोई सुराग मिल पाया कि जवान आखिर उन्होंने नक्सलियों ने अपहरण किया है या किसी प्रकार के कोई हादसा हुआ है। अब तक जो राजनांदगांव जिले की पुलिस है और कांकेर जिले की जो पुलिस है वो दोनों जिले की पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन खोजबीन में अब तक ये पता नहीं चल पाया कि जवान आखिर गया तो गया कहाँ, कि जवान को आसमान निकल गया या धरती, तो जिसको लेकर के संशय बना हुआ है दीपक। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रकाश, ये एक बड़ा सवाल है, जवान कहाँ गया। लगातार कोशिश जारी है, पुलिस भी खोजबीन कर रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया जानकारी पहुँचाने के लिए। प्रकाश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़े, वो बता रहे हैं कि खुद छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान लिया इस मामले में, कांकेर एसपी से बातचीत करते हुए कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस भी हर संभव कोशिश कर रही है लापता जवान को खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है।